हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल से और फटाफट बनने वाली रेसिपी, मलाई सैंडविच। ये जो है, जब आपको हल्की फुल्की भूख लगी हो और कुछ समझ में ना आए कि मैं क्या बनाऊँ और बहुत ज़्यादा सामान भी ना हो घर में, तो आप फटाफट ये चीज़ रेसिपी बना सकते हो। इसको बनाना बहुत ही ईजी है गाइज, और ये बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही यम्मी बनती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मलाई सैंडविच के लिए सबसे पहले मैंने मलाई ली है, ये दूध की निकाली हुई फ्रेश मलाई है। इसके साथ ही मैंने वाइट ब्रेड लिया हुआ है, आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो। साथ ही में मैंने एक छोटा प्याज बारीक कट कर लिया है, एक मिर्ची ली है और एक टमाटर। इन सबको बारीक कट कर लेंगे, आप चाहो तो धनिया के पत्ते भी इसमें डाल सकते हो। मैं अभी, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा नमक लिया है। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हो। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही यमी होती है। आप चाहो तो इसको बच्चों के टिफिन में या फिर सुबह या शाम को भूख लगी है तो फटाफट बना सकते हो। ये हेल्दी भी रहती है, बहुत ज़्यादा ऑयल भी इसमें नहीं लगता। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मलाई में आपने सारे प्याज, टमाटर, मिर्ची, नमक इन सब को डालेंगे। बस इन सबको मैं हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा मिक्स हो चुका है मलाई के संग प्याज, टमाटर, मिर्ची, सब नमक, सब कुछ। अब हम इनको ब्रेड पे लगाएंगे और सैंडविच बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सैंडविच बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इस पर गैस पे तवा रख दिया है और इसको गर्म होने देंगे। तब तक हम अपने ब्रेड पे जो है वो अपना बनाया हुआ मलाई का जो पेस्ट है उसको लगा लेंगे इस तरीके से। अच्छे से इसको फैला दीजिए सारी तरफ, सब तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपने तवे पे आधा चम्मच जो है वो रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप चाहो तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर घी का। मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ और इस पे हम रख देंगे। अब इसको ब्राउन होने देंगे, तब तक हम अपने दूसरे ब्रेड को रेडी कर लेंगे। ऐसे ही हम अपने सारे ब्रेड को मलाई लगा के रख देंगे और फिर उनको वन बाय वन सेकेंगे। हमें दोनों साइड से सेकना है तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी कैसे। आपका फ्लेम जो है वो मीडियम होना चाहिए, बहुत तेज मत करिएगा वरना ब्रेड आपका जल जाएगा। बहुत कम भी मत कर दीजिएगा कि एकदम पके ही ना, इसका ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, ऐसे ही हम सारे ब्रेड को अपने रेडी कर लेंगे। चलिए अब तक देखते हैं कि हमारा नीचे से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको ऐसे लेंगे और फिर आधा चम्मच तेल डालेंगे। इसको बनाने में फ्रेंड्स सिर्फ एक चम्मच तेल लगता है और फिर इसको आराम से ऐसे पलट देंगे और पलटे कि उसे इसको अच्छे से दबाएंगे और नीचे से ऐसे कट करेंगे ताकि हमारा जो प्याज है, टमाटर है, वो सब कुछ ब्रेड में अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए गाइस, इस तरीके से बहुत ही यम्मी होता है ये और बहुत ही कम तेल में बनता है, इसलिए ये हेल्दी भी है। आप बच्चों को नाश्ते में ये दे सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा सैंडविच भी रेडी हो रहा है। आधा चम्मच तेल डालेंगे और इसको आराम से पलट देंगे, बहुत ही आराम से करिएगा। और फिर इसको पलटे के हेल्प से अच्छे से दबाएंगे, नीचे से ऐसे करते रहेंगे। मिक्सचर तवे में ना लगे इसके लिए हमेशा हमें इसको थोड़ी थोड़ी देर में इसको करना चाहिए। 2 से 3 मिनट में गाइस ये बन के रेडी हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स,
हमारा पहला सैंडविच जो है वो रेडी हो चुका है। अभी हम बाकी सैंडविच को भी ऐसे ही बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सैंडविच जो है पीछे से भी ब्राउन हो चुका है। आप चाहो तो इसको और भी क्रंची कर सकते हो, ये आप पे पूरा डिपेंड करता है कि आपको कैसा पसंद है। मैं 2 से 3 मिनट लगते हैं टोटल इसको बनाने में, तो आप कभी भी इसको ट्राई कर सकते हो गाइस। ये बहुत ही यम्मी और फटाफट बनने वाली रेसिपी है। ये देखिए फ्रेंड्स, बाकी सैंडविचों को भी हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे मलाई सैंडविच रेडी हो चुके हैं। जितना ये दिखने में प्यारा लग रहा है उतना ही टेस्टी ये खाने में है, और बहुत ही सिंपल और फटाफट बनने वाला, बिना झंझट के आप इसे कभी भी किसी भी टाइम बना सकते हो। आप चाहो तो ट्रैवल कर रहे हो तो इसको रास्ते के लिए भी बना कर रख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।